जहाँ सील है वहाँ राम है, जहाँ संस्कार है वहाँ राम है, जहाँ संयम है वहाँ राम है, जहाँ त्याग है वहाँ राम है, जहाँ तपस्या है वहाँ राम है। कि रामा रामा कहते कहते बीती रे उमरिया, आ कल आएंगे अपने रामा वधन गरिया, कल आएंगे अपने रामा अवधन गर। बोलो जय श्री राम। आचार्य जी, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो गई है, मोदी जी भी कल आने वाले हैं यहाँ पर, और दीपोत्सव भी मनाया जाएगा पूरे देश में, जो बेसब्री से इंतजार था पूरा होने वाला, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो कहेंगे कि राम को सबको मानना चाहिए, क्योंकि राम सब में है। जहाँ सील है वहाँ राम है, जहाँ संस्कार है वहाँ राम है, जहाँ संयम है वहाँ राम है, जहाँ त्याग है वहाँ राम है, जहाँ तपस्या है वहाँ राम है, जहाँ धीरज है वहाँ राम है, जहाँ संयम है वहाँ राम है, जहाँ सभ्यता है, संस्कृति है, धर्म जहाँ है वहाँ राम है, या सत्य जहाँ है वहाँ राम है। तो राम सबके अंदर हैं। अगर राम हमारे भीतर नहीं रहे, ये शरीर सब हो जाएगा। राम हिंदुओं में है, राम मुसलमानों में है, राम सिखों में है, राम ईसाइयों में है। राम ब्रह्मा द्वारा बनाए गए 84 लाख प्रकार के जीवों के सबके अंदर समान रूप से हैं। तो राम राम है तो हम हैं, राम है तो राष्ट्र है, राम है तो जीवन है। तो राम को सबको मानना चाहिए। राम संपूर्ण विश्व के हैं। वो राम अगर अपने भवन में आ रहे हैं, अयोध्या की गलियां नाच रही हैं, अयोध्या के मंदिर नाच रहे हैं, अयोध्या के वासी नाच रहे हैं, अयोध्या के सारे साधु संत नाच रहे हैं, और देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आए हैं वो सब नाच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इस खुशी में सबको शरीक होना चाहिए और सबको ये महोत्सव मनाना चाहिए। आचार्य जी, आप क्या जो प्राण प्रतिष्ठा उसमें आना ही नहीं चाह रहे इनविटेशन लेने के बाद? देखो, वो मुझे नहीं पता है, और मैं उसके बारे में, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि रामा रामा कहते कहते बीती रे उमरिया, आ कल आएंगे अपने रामा वधन गरिया, कल आएंगे अपने रामा अवधन गर। बोलो जय श्री राम, जय श्री।